सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 21 दिसंबर। भगवान को गृहस्थी या प्रपंच के लिए साधन न बनाएं। एक लड़का घर से भाग गया तो उसकी माँ बोली, वो कहीं भी रहे लेकिन मजे में रहे। वैसे ही तुम कहीं भी रहो लेकिन नाम में रहो। बस नाम मात्र जबरदस्ती से लो, श्रद्धा से लो तो अधिक अच्छा, और वृत्ति को संभाल कर नाम में रहो तो और भी अधिक अच्छा। वनस्पति के पत्तों का रस निकालने के लिए कुछ पत्तों में शहद डालना पड़ता है, किसी में दूध, घी या पानी डाला जाता है। वैसे ही भगवान से प्रेम होने के लिए और उसके नाम में मिठास पैदा होने के लिए तुम उस नाम में थोड़ी सी श्रद्धा डालो। मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभव में भी मैं का भाव है। नाम उसके भी परे है, इसलिए भगवान के नाम का निरंतर स्मरण रखें, जिससे गृहस्थी आसान होती है। नाम की सत्ता बड़ी प्रबल होती है। संसार में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो नाम के अस्तित्व में टिक सके। नाम जब अपने शत्रु की भी मदद करता है तो हमारी मदद तो वो करेगा ही। रूप का ध्यान मन में न आए तब भी नाम न छोड़े, बाद में रूप अपने आप आने लगेगा। सत्य का कोई न कोई रूप दिए बिना हम उसका अनुसंधान नहीं कर सकते। नाम उसका रूप है, इसलिए नाम का अनुसंधान सतत बनाए रखें। भगवान के नाम के बदले में किसी बात की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण नहीं है। अनाड़ी लोगों को नाम लेने के लिए कहा जाए तो वे तुरंत नाम लेना शुरू कर देते हैं। विद्वान लोग मात्र नाम के प्रति प्रेम होगा तो नाम लेंगे, अन्यथा नहीं, ऐसा कहते हैं। विषय रूपी सर्प का विष उतरा नहीं है, इसलिए भगवान का अमृत जैसा मधुर नाम हमें मधुर नहीं लगता है। इसलिए इसी क्षण से हमें नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। ज्ञान श्रेष्ठ है, ये ठीक है, लेकिन वो भक्ति के बिना जी नहीं सकता, क्योंकि जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता वो भक्त होता है, और ज्ञान में भगवान से एक रूपता होती है, इसलिए भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और वो भक्ति पर ही जीता है। सच्चा भक्त ज्ञानी ही होता है। भगवान के लिए भगवान चाहिए, इस भाव से भक्ति करने वाला लाखों में कोई एक ही होता है। सच्ची भक्ति यही होती है, हम नाम के लिए नाम लें, राम जैसे रखें, उसमें समाधान माने। भगवान गृहस्थी या प्रपंच के लिए साधन न बनाए, वो साध्य हो। जो भगवान के नाम में अपना जीवन व्यतीत करता है उसने जन्म पाकर सब कुछ प्राप्त कर लिया और अपना जीवन सफल बना लिया। ज्ञानी बनकर नाम स्मरण करना और भक्त बनकर नाम स्मरण करना एक ही बात है, दोनों तरफ भगवत प्रेम प्रमुख है। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।